हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ वॉलपेपर एप्लीकेशन शेयर करने जा रहा हूं। इस एप्लीकेशन के अंदर वॉलपेपर्स के साथ साथ लाइव वॉलपेपर्स भी मौजूद हैं जो कि आप इजीली अपनी मोबाइल स्क्रीन पर यूज़ कर सकते हैं और स्क्रीन को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, तो आइए इस एप्लीकेशन को ओपन करके देखते हैं। ये मैं इस एप्लीकेशन को ओपन किया, ये इसकी होम स्क्रीन है। इसके ऊपर आप ये देख रहे हैं कि तमाम वॉलपेपर जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं। ये न्यू कलेक्शन जितनी भी है वो यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा ये जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड वॉलपेपर्स हैं वो सब भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो जो लाइव वॉलपेपर्स मैं आपको बता रहा था वो यहाँ से आप देख सकते हैं। ये तमाम लाइव वॉलपेपर्स हैं, इसको में से किसी को ओपन करके देख लेते हैं। ये देखिए, ऐसे लाइव वॉलपेपर है, आप अपनी स्क्रीन को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। और इसकी एक अच्छी बात जो मुझे लगी अच्छी, वो ये है कि आप इसकी जो स्पीड है मोशन की, उसको भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। मीन्स कि आप इसकी स्पीड को भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ओके, अब देख लेते हैं कि वॉलपेपर्स पे हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन मौजूद हैं। तो ये मैं वॉलपेपर को ओपन करता हूँ, तो ये देखिए कि ये वॉलपेपर ओपन हो गया है। नीचे इसकी काफ़ी ऑप्शंस आ रही हैं, जैसे ये स्टार है, ये इसको आप लाइक करने के लिए, अपनी फेवरेटीज़ में ऐड करने के लिए, साथ ही इसका डाउनलोड के ऑप्शन है। ये आप अपनी होम स्क्रीन पर अप्लाई करना चाहते हैं या लॉक स्क्रीन पर, वो भी आपको डायरेक्ट ऑप्शन दे दी गई है। इसके अलावा ये आप देख सकते हैं कि साइड पर भी ऑप्शन है। फर्स्ट तो इसकी अगर आपने रिपोर्ट करनी है वॉलपेपर की, तो वो है। सेकंड में ये ऑटो चेंजर वॉलपेपर, इसके अंदर फंक्शन है, उसमें आप इस वॉलपेपर को ऐड करना चाहते हैं, मींस कि वो रैंडमली खुद ही आपके जो वॉलपेपर हैं वो चेंज होते रहेंगे। और यहाँ पर ये आप देख लें कि तमाम डिफरेंट जो कैटेगरीज हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर एक और चीज़ जो मैं आपको बताता चलूँ, जब आप किसी वॉलपेपर पर क्लिक करते हैं, उसको ओपन करते हैं, तो उससे रिलेटेड जो उस कैटेगरीज की डिफरेंट पिक्चर्स होती हैं वो भी वहाँ आपको साथ ही वो शो कर देता है कि अगर आपको वो देख रहा है कि आप इस कैटेगरी की पिक्चर्स को लाइक कर रहे हैं, तो वहाँ से मज़ीद पिक्चर्स को आपको शो करवा देता है। अब इसकी हम सेटिंग्स में देख लेते हैं। सेटिंग्स में इसकी जितनी भी डाउनलोड आपके वॉलपेपर होंगे वो आ रहे हैं आपको नज़र, फेवरेटीज़ में आ रहे हैं, आपकी कोई प्लेलिस्ट बनी है जो ऑटो वॉलपेपर चेंजर के लिए आपने यूज़ की हुई है वो बता रहे हैं। इसके अलावा इसकी अपनी सेटिंग्स हैं, उसमें आपने इस एप्लीकेशन का थीम चेंज करना है, जब वॉलपेपर चेंज हो उसका नोटिफिकेशन आना चाहिए या नहीं। उसके अलावा स्क्रीन रेजोल्यूशन, किस रेजोल्यूशन के वॉलपेपर्स आपको चाहिए, स्टोरेज लोकेशन कौन सी है जिन तरह आप वॉलपेपर्स को डाउनलोड करेंगे या अपने कोई डाटा वगैरह क्लीन करना है, उसकी भी डिफरेंट ऑप्शन मौजूद है। इसके अलावा ये इसका फ्री वर्जन है, अगर आप इसको एड्स वगैरह को रिमूव करना चाहते हैं तो आप इसका पेड वर्जन वो भी बाय कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको आज की एप्लीकेशन पसंद आई होगी और आप इस एप्लीकेशन को ज़रूर यूज़ करेंगे। मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो पर लाइक और कमेंट ज़रूर करें, मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।